हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है यार, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा मजेदार होगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस यार, जैसे कि आप सभी भाइयों ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा, जहाँ पे हमने काफी ज्यादा अपने अगल बगल के बेसेस वगैरह रेट किए थे, क्योंकि गाइस हम थोड़ा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारा बेस रेट करे। तो अभी जो है ना गाइस, आप लोग देख रहे होंगे मैं गाड़ी से आ रहा हूँ। मैंने डिसाइड करा थोड़ा सा हम फार्म वगैरह कर लेते, क्योंकि गाइस हमें बॉम्ब्स की काफी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम रोज रेड करते रहते हैं। तो गाइस अभी जो है ना, मैं एक दो चक्कर ऑलरेडी पहले मार दिया था, एंड अभी जो यहाँ पे 4:30 हो चुके हैं, तो लगभग रेड टाइम भी ऑन हो गया। तो मैंने डिसाइड करा फटाफट से हम बेस में चलते हैं एंड बॉम्ब्स वगैरह बना के रेड्स वगैरह करने के लिए निकलेंगे। तो गाइस यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो में एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज गाइस यार चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 300। आई होप गाइस आप लोग 300 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। तो गाइस यार, यहाँ पे हमें अभी बेसिस वगैरह नहीं पता, क्योंकि हम बंदों का बेसिस इतना देखते नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा जिस बेस को हमें रेड मारना है उनको हम थोड़ा सा देख के आ जाते हैं, एंड उसके बाद हम लोग जो है ना डायरेक्ट बॉम्ब बना के उनको रेड करने के लिए चलेंगे। सो फाइनली गाइज, यहाँ पे से हम लोग अपने बेस से निकल चुके हैं बंदों का बेस वगैरह देखने के लिए। एंड गाइज, ये एक बेस मिला जिसको हम रेड तो कर सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं है यार इसको रेड करना सही रहेगा, क्योंकि गाइज अजीब ही बेस है यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस बेस में किस तरीके का बेस बना के रखा हुआ है। तो यार, आप लोगों ने अगर इस तरीके का बेस देखा है तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ये तो गाइज इसको जो मेन एरिया है ना, मुझे लगता है इसका मेन एरिया नीचे वाला है, ऊपर तो गाइज जो है ना हाफ वॉल्स लगा के रखी हुई है। तो इसको रेड करने का प्लान तो था अपना, बाद में जो है ना अपने टीममेट ने प्लान को कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला इस बेस को रेड मार के कोई भी फायदा नहीं है, ऐसे करते हम लोग यहाँ पे चलते और बेसेस देखने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो तुम गाड़ी में बैठो, हम लोग ऐसे करते ना यहाँ से निकलते। फिर भी गाइज एक दो बार मैंने डिसाइड करा चलो क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्या पता डबल वॉल वगैरह तो नहीं है। वैसे डबल वॉल तो दिख नहीं रहा है, पर इसका जो मेन एरिया है ना वो अंडरग्राउंड वाला ही है। तो चलो यार फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं। एंड एक मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा बेस दिखा, तो उसको भी हम रेड मार सकते हैं, पर यार लगता नहीं है उसको रेड मारना भी प्रॉफिटेबल रहेगा। एंड मे बी इसको 71 आवर्स में हम लोग रेड मारेंगे। तो मैंने डिसाइड करा चलो यहाँ पे मैं रैंप बनाता हूँ एंड उस बेस को देखता हूँ। तो चलो गाइज, यहाँ पे रैंप्स वगैरह तो बना दिया है। ओके, यहाँ पे अंदर से तो ये पूरा वुडन बेस है, मुझे लगता नहीं है इसको रेड मारना सही रहेगा। वैसे चक्कू से मार तो सकते हैं, और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वैसे लगता है मेरे को किसी ने बेस ओनली बड़ा बना के छोड़ के रखा हुआ है। तो चलिए गाइस इस बेस को भी छोड़ो, ये बेस मेरे को कुछ प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे से निकलते हैं। एंड जैसे ही गाइस हम लोग यहाँ पे से निकले, कुछ ही दूर जाने के बाद हमें एक बेस दिखा जो कि काफी ज्यादा गजब का था, क्योंकि गाइस ओके यहाँ पे हम लोग घूम ही रहते बेस वगैरह देखने के लिए। आगे हमें बेस तो दिखा, पर अपने टीममेट को कोई मारा, तो हम लोग अपने टीममेट के काफी ज्यादा क्लोज थे, तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार उसको फटाफट से मार के आते। ओके, ये रहा वो बंदा, अभी उसने नॉक एंड फिनिश किया है। तो हम लोग जैसे गाइस वहां पे पहुंचे ना, हमने बंदे को नॉक करा, पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। पहले तो मैं तेल निकालूं अपनी गाड़ी का, क्योंकि मेरी गाड़ी काफी ज्यादा लेके चले जाते हैं बंदे। ओके गाइस, यहाँ पे नॉक मैंने किया और अपने टीममेट ने उसको फिनिश कर लिया। एंड देखते गाइस उसका गन वगैरह गिरा है कि नहीं गिरा। ओके यार, उसका SMG यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। तो अभी जो है ना अपने टीममेट उस अपने आप को हील अप करेंगे, और हम जो है ना गाइस यहाँ पे से फटाफट से निकलते। और हमने एक बेस देखा है जो कि आयरन का है, ऊपर से स्टोन का करके रखा हुआ है, वैसे छोटे स्टोरेज बॉक्सेस है, तो उसको हम इजीली रेड मार सकते हैं। चलो भैया बैठो फटाफट से चलते हैं। तो यार उसके बाद मैं बेस पे पहुंचा एंड मैंने डिसाइड करा मैं फटाफट से बॉम्ब्स वगैरह बनाता हूँ, क्योंकि गाइस ऑयल बम का रेसिपी जो है ना वो मेरे पास है। तो यार जैसे मैं यहाँ पे ऑयल बम्स वगैरह बना ही रहा था, तब तक एक चाइनीज जो कल को बात कर रहे थे कि इन बंदों ने हम लोगों ने पॉइंट्स वगैरह क्यों नहीं रखे हुए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एनजे नाम के बंदे को हमने मारा था, क्योंकि वो सोलो आ रहा था, हम दो तीन बंदे थे, तो हमने एनजे नाम के चाइनीज को बहुत मारा। सो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ चाइनीज ने हमारे अगेंस्ट में टीम अप कर लिया है, और वो चाइनीज देखो गाइस अभी हमारा बेस को कैंप करेगा। एंड देखो यार तुम्हारा भाई कैसे उसको मारता है, एंड मेरी बुलेट का तो डैमेज ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आज जो है ना मैं मोबाइल डाटा से खेल रहा था। तो यार यहाँ पे जो है ना अभी तो मैं बॉम्ब्स वगैरह बनाता हूँ और निकलते हैं यार। ओके गाइस, बॉम्ब्स वगैरह बन चुके हैं, लेट्स गो, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं, पहले उस बेस को रेड करके आते हैं, एंड बाद में जो है ना गाइस वो चाइनीज हमारे बेस को कैंप करेगा।
तो ऐसे करते हम लोग निकलते हैं। तो ओके यार, हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी लेके, एंड मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बेस रहेगा, सामान मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं उस बेस से। तो भैया यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, एंड देखो गाइस ऊपर से जो है ना वो पूरे का पूरा स्टोन का है। तो मैंने डिसाइड करा चलो इसको फटाफट से ट्रेड करते हैं, एंड अपने टीममेट ने जो है ना गाइस यहाँ पे लगा लिया है लैडर, जिससे जो है ना मैं इजीली ऊपर जा सकता हूँ। वैसे कहाँ पे से एकदम सेंटर में बॉम्ब लगाते हैं, वैसे पूरा ओपन है, साइड में भी लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑलरेडी गाइस मैंने यहाँ पे 4 से 5 ऑयल ड्रम लगा दिए हैं, लगता है एक ऑयल बम ग्लिच हो गया है। भैया ये ग्लिच होने का सिस्टम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है जब बॉम्ब ग्लिच होते हैं। ओके गाइस कितने बॉम्ब लगाए मैं, लगभग 10 लगे, मैं बोला ना एक बॉम्ब ग्लिच हुआ है। भैया अपने टीममेट तो दूसरी तरफ रेड करने में बिजी है, तब तक वो वहाँ रेड करते हैं, तब तक मैं यहाँ पे का सामान वगैरह उठाता हूँ, इनकी इन्वेंटरी में देखता हूँ। ओके गाइस यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सल्फर मिला, एक ऑयल बम मिला वो भी उठा लेता हूँ, और क्या मिला, थोड़ा सा फ्यूल मिला, कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। सो मैंने अपने टीममेट से बोले जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं सारे के सामने कंपोनेंट्स उठा लो। ओके गाइस 100 स्टील जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और तो कुछ खास है नहीं, फर्नेस में कुछ सामान होगा। ओके यार फर्नेस में थोड़ा बहुत सामान है, वो भी मैं पूरे का पूरा उठा लेता हूँ। एक और ऑयल बम मिला मेरे को, तो लगभग मेरे पास अब दोबारा 20 ऑयल बम हो चुके हैं। अरे यार क्लॉथ तो काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है बंदों ने, तो वो भी उठाता हूँ। तो यार अब मैंने लगभग सारा का सारा, अरे यार यहाँ पे भी तो फ्यूल वगैरह है, ये भी उठाओ फटाफट। तो भैया यहाँ पे हम लोग सब चीज उठा दिया है, अभी जो है ना इनका कैबिनेट वगैरह फोड़ते हैं, एंड देखते हैं कैबिनेट से क्या सामान ड्रॉप होता है। वैसे सामान ड्रॉप हो जाए ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, अच्छा सामान होना चाहिए कैबिनेट में तभी तो मजा आएगा। तो चलो गाइस फटाफट से इसके कैबिनेट में हम बॉम्ब लगाते हैं, 2 ऑयल बॉम्ब लगा दिए, एंड जल्दी जो है ना वो फूट जाएगा। ओके गाइस फूट गया, कैबिनेट में कुछ ज्यादा खास नहीं था, जितना भी मिला चलो गाइस ठीक है। आई थिंक सारा का सारा कंपोनेंट जो है ना अपने टीममेट ने उठा लिया होगा। अब जो है ना गाइस हम लोग ऐसे करते ना यहाँ पे से फटाफट से निकलते हैं बाहर। और हाँ गाइस मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा भाई लोग बोल रहे होंगे भाई तू बैच वाले सर्वर्स क्यों नहीं खेलता, वो भाई मेन बात है बैच वाले सर्वर्स अपने टीममेट्स लोग खेलते हैं, सो मतलब जो अपने साथ पहले खेलते थे, एंड हमेशा गाइज बैच वाले सर्वर में एक भी ऐसा सर्वर नहीं है जिसमें हैकर्स ना हो, तो इसलिए गाइज मैं खेलता ही नहीं, अपना थोड़ा सा फ़न करता हूँ ग्लोबल में, और फ़न करते ही 2-4 घंटे खेला एंड उसके बाद निकल गए। तो ओके गाइज हम लोगों ने बेस वगैरह रेड कर लिया है, और अब जो है ना हम यहाँ से सीधा निकलते अपने बेस में। तो फाइनली यार यहाँ पे हम लोग बेस में आ चुके, एंड वो चाइनीज जिसको कल हम मार रहे थे एनजे, एंड उसने जो है ना गाइस इस चाइनीज के साथ टीममेट करा, एंड उसने मेरे टीममेट को मारा, और जो है ना गाइस मैंने उसको मार दिया। आप लोगों ने देखा होगा पहले तो यार 4-5 बुलेट्स का डैमेज ही नहीं आया, और मेरी हेल्थ भी देख सकते हो गाइस 1 हेल्थ बची हुई है। अभी मेरे को सबसे पहले अपने आप को हील अप करना पड़ेगा, एंड कुछ देर बाद गाइस ये दोबारा आया, एंड देखो गाइस बुलेट का डैमेज ही नहीं आ रहा है, पता नहीं लगता है मोबाइल नेटवर्क में हूँ ना इसलिए डैमेज नहीं आ रहा है। तो यार ये चीज़ तुम्हारे साथ भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो देखो गाइस मैं गोलियां कब चलाने लगा, डैमेज ही नहीं आ रहा है, मतलब इतनी सारी बुलेट चलाई 2 बुलेट्स का डैमेज आया। तो यार काफ़ी ज़्यादा बुरा है यार, ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है इस गेम की कि डैमेज ही नहीं आता, डैमेज ही नहीं आएगा तो हम बंदों को मारेंगे कैसे। पहले भी नहीं आया था पर पहले जैसे तैसे करके मार ही दिया था, इस बारी तो गाइज ओनली 2 बुलेट्स का डैमेज आया था जबकि मैंने फायर 10 से ज़्यादा बुलेट्स करी थी। तो यार चलो मैं फटाफट से अपने आप को सेल्फ करता हूँ, दोबारा से स्पॉन होता हूँ, एंड फाइनली गाइज ये रहा उस बंदे का बेस जिसको कल हम रेड किए थे, एंड ये जो है ना इस चाइनीज के साथ टीम अप कर लिया था। तो आज जो है हमारे पास यहाँ पे हैंडमेड्स वगैरह है, सो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार इसका बेस रेड करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने छकुए से इसका बेस रेड करने स्टार्ट कर दिया है, और अंदर से अगर आयरन का सेक्शन होगा तो गाइज हम लोग इसको ईजिली कर देंगे पूरा रेड। आयरन 12 हैंडमेड लगा देंगे, यार अपने पास सामान तो है। यार जैसे हम लोगों ने ये डोर तोड़ा ना वो चाइनीज जिसने टीम अप किया था वो बंदा जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, एंड देखो गाइस उसके बाद वो उसको आई थिंक टर्फ भी था, सो वो बेस वगैरह रिपेयर कराता है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा यार रैंक सर्वर में
जब पूरा रेड नहीं होता तो ऑनलाइन रेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गाइस यार बंदा जो है ना बेस को पूरा का पूरा रिपेयर कर लेता है, जिसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो भैया यहाँ पे देखो, यहाँ से दिखेगा तो नहीं, एंड कैबिनेट जो है ना इसके ये वाले एरिया में, तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार फटाफट से करते हैं इसको रेड। जैसे ही गाइस हम लोग इसको तोड़ने लगे थे ना, यहाँ पे हमें फुटस्टेप आए, मैंने अपने टीममेट से बोला बाहर निकलो, एंड देखो गाइस जैसे ही हम सारे के सारे बंदे बाहर निकले ना, बंदे ने बेस को कर लिया रिपेयर। देखा गाइस दिमाग। तो यार उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम ही रहे थे, एंड मेरे टीममेट्स पे उसका बेस को तोड़ रहे थे, मतलब उसको परेशान कर रहे थे, और मैं जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा वुड वगैरह फार्म कर रहा था, तो मुझे वो बंदा ऊपर दिखा, तो यार मैं यहाँ पे बैजल प्लेस करने का ट्राई किया, तब तक वो बंदा जो है ना मेरे को किल कर दिया था। मुझे पता ही नहीं चला यार यहाँ पे से वो बंदा मेरे को देख रहा है और मेरे को मारेगा। देखो गाइस मैं रैंप लगा रहा था, रैंप लगा ही नहीं क्योंकि कैबिनेट जो है ना इसके काफी ज्यादा क्लोज था, तो वो तो मेरे को मार दिया था। फिर क्या था गाइस, हम लोगों ने उसको छोड़ा क्योंकि ऑनलाइन रेड करना काफी ज्यादा मुश्किल है, एंड हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे घूम ही रहे थे, बेसिस वगैरह देख रहे थे, एंड फाइनली गाइस यहाँ पे हमें एक बेस दिखा जिसको मेरे टीममेट्स लोग बोल रहे थे भाई यार कितने ज्यादा स्टोरेज बॉक्सेस है, एंड वहां पे हमें काफी ज्यादा लूट मिल सकता है। तो मैंने कहा यार लूट मिल सकता है तो करो फिर, एंड जो है ना गाइस मेरा प्लान था कि इसको ऊपर से रेड करें, पर अपने टीममेट्स लोग बोलने लगे यार नीचे से डोर टू डोर रेड करो, उसमें फायदा रहेगा, पर गाइस वही सबसे ज्यादा नुकसान था। वैसे लगते तो यार उतने ही बम लगते क्योंकि इसका बेस अजीब ही था यार। अब मैं समझ गया था यहाँ पे जो आयरन वाला सेक्शन है ना उसके अंदर इसका कैबिनेट है, तो वो बोले, मैं बोला कहां पे लगाएं, ऐसे करते ऊपर से बम लगाते, ये अपने टीममेट्स लोग बोलने लगे था भैया डोर से बम लगाओ, ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है चलो यार यहीं पे बोर्ड लगाते हैं, डोर टू डोर चलते हैं, तो मुझे लग रहा था यहाँ पे टीसी है इसका, क्या करना है चलो यार जैसे अपने टीममेट्स लोग बोल रहे हैं ना वैसे ही करते हैं, डोर टू डोर चलते हैं। ओके गाइज यहाँ पे ये रहा ये बंदा, इसकी इन्वेंटरी देखते कुछ नहीं है, फर्नेस में सामान है, ओके फर्नेस में भी कुछ नहीं है, अभी ये डोर और तोड़ना है मेरे को, एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे उसके काफी ज्यादा बॉक्सेस हैं। मैं सोच रहा था नीचे लगाऊं, पर ऐसे करते ना डोर में ही लगा देते हैं। अबे कहाँ उछल रहे हो, देखो यार दोनों गए, रिवाइव करना पड़ेगा अभी जो है ना, मैं एक बंदे को तो बैग दे दूंगा और एक को रिवाइव कर दूंगा। चलो यार फटाफट से ये भाई को रिवाइव करते हैं, एंड ऑलरेडी मेरे पास एक बैग क्राफ्ट करके रखा हुआ है और एक एक्स्ट्रा क्राफ्ट कर लेते हैं, पता नहीं यार कहीं पे जरूरत पड़ जाए। तो चलो गाइज मैं फटाफट से क्लॉथ प्लेस करता हूँ, ओके आ चुका है, फटाफट से बैग दो। तो ठीक है गाइज बैग वगैरह तो दे दिया है मैंने, और अब भी देखते हैं क्या सीन होता है। स्टोरेज बॉक्सेस तो काफी ज्यादा है, एंड कैबिनेट जो है ना इसका यहाँ पे है, तो फटाफट से यहाँ पे बॉम्ब्स लगाते हैं अपन। मेरे पास 12 ऑयल बॉम्ब है, इतने में तो हो जाएगा, बस यार बॉम्ब ग्लिच ना हो अपने। ये बंदा सो रहा है यहाँ पे, तो वहां पे लगाना सही रहेगा। एंड देखो यार मैं काफी ज्यादा चिल्ला रहा था भैया हट जा हट जा, ये भाई हटने को तैयार ही नहीं, मेरा मन तो ऐसे कर रहा था कि बॉम्ब यहीं पे लगा दूं। अबे पता नहीं यार कहाँ सोए हुए हैं, चलो गाइस हट चुके हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से यहाँ पे बॉम्ब लगाता हूँ, 5 ऑयल बॉम्ब लगा लिए, अभी 5 और लगाने मेरे को। बंदा आया गाइस यहाँ पे, अपने टीममेट्स लोग बोलने लगे थे यार भाई बंदा आया है, एंड देखो यार बंदा जो है ना अपनी गाड़ी लेके पूर हो जाएगा, पर मैं जो है ना गाइस उसका टीममेट को तो नॉक कर लेता हूँ, जैसी गाड़ी लेके जा रहा था ना बंदा, तो मैं जैसी यहाँ पे पहुंचा, एंड वो अपने बंदे को बिठा ही देता भैया किधर भाग रहे हो, एंड फ्यूल निकाल ही रहा था गाइस, तब तक वो गाड़ी जो है अपने से काफी ज्यादा दूर जा चुकी थी, एंड इस बंदे की गाइस मुझे M4 मिली, मजा आ गया। अभी जो है ना हम लोग अपना रेड को कंटिन्यू करते हैं, एंड गाड़ी को तो हम बाद में रेड करके भी लेके आ जाएंगे, उसके बेस से गाड़ी का कोई टेंशन नहीं। ओके एक ऑयल बम और लगेगा, दो लगेंगे। अरे भैया मैं मना कर दिया था ना कॉल में, पता नहीं सुना नहीं लगता है। चलो उनको रिवाइव करता हूं मैं फटाफट से, एक भाई तो गाइस कत्ते ही
एक नंबर पहले उधर चले गए लूट देखने के लिए, कहीं हथौड़े से लगे होंगे तोड़ने में। तो चलो गाइस हथौड़े से तो नहीं लगे, मैं फटाफट से इस पहले इसको थिफ्ट करता हूँ, कुछ नहीं है इसमें। एंड अभी जो है ना हम यहाँ पे दो ऑयल बम लगाते इसके कैबिनेट में। कुछ मिला सामान? ओके, थोड़ा सा सल्फर माइन थी एंड कुछ सामान था। तो भैया इस बेस को तो हमने यहाँ पे रेड मार लिया है, अभी जो है ना हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते सीधा अपने बेस के तरफ। और वहां से जो है ना गाइस हम लोगों ने डिसाइड करा था बोट बेस पे कभी आने का टाइम हो गया होगा, तो हम लोग कुछ बॉम्ब्स बना के चलते हैं एंड बोट बेस की तरफ चलेंगे। वहां पे जितने भी बेसेस वगैरह दिखेंगे उनको रेड मारेंगे एंड लास्ट में जो है ना हम लोग बोट बेस भी लूट के आ जाएंगे। तो लेट्स गो गाइस, फटाफट से चलते हैं सीधा अपने बेस में। वैसे क्या करें अपने टीममेट, लगता है कुछ सोच रहे हैं। तो भैया यहां से हम अपने बेस से आ चुके हैं, कुछ बॉम्ब्स वगैरह हमने बनाए और लेट्स गो गाइस। ओके, एक टीममेट हमारा बोट भी लेके आ चुका है, चलो बैठो फटाफट से और निकलो यहां पे से। अरे रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ओके गाइस, यहां पे हमारी बोट जो है वो रिस्टोर हो चुकी है। तो चलो गाइस ऐसे करते हैं ना, हम फटाफट से निकलते हैं। सो गाइस यहां पे हमें एक टावर बेस दिखा, तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार इसको रेड मारते हैं। वैसे रेड तो हो जाएगा, वो बंदा सोच रहा होगा कि इसका बेस कोई भी रेड नहीं कर सकता, पर गाइस यार इस बेस को रेड करने का एक काफी ज्यादा गजब का ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है गाइस, आपको लैडर लगाना है एंड जो ऑयल बम है ना एकदम टॉप मोस्ट में लगाना है, जहां से उस वो लैडर टूटे ना एंड डोर इजिली टूट जाएगा। तो मैं अपनी टीममेट से बोलने लगा था क्या करना है भाई, रेड मारना है? वो बोलने लगे हाँ भैया रेड मारना है। तो चलो यार मारते हैं इसको फटाफट से रेड। ओके गाइस यहाँ पे एक डोर तो तोड़ दिया है और लेट्स गो फटाफट से। एंड यहाँ पे गाइस मैंने अपने टीममेट से पहले बोलने लगा, पहले ऐसे करो लैडर प्लेस करो, क्या पता ये जो डोर फ्रेम्स है ना वो टूट गया तो हम लैडर प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से गाइस मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो लैडर प्लेस करेंगे ना उसके बाद मैं तोड़ दूंगा। ओके यार लैडर तो प्लेस हो चुका है, अब बस यार लैडर टूटनी नहीं चाहिए अपनी। मैं जितना लिमिट है ना लिमिट में बॉम्ब लगाता हूँ। ओके गाइस लैडर नहीं टूटा एंड अब जो है हम इसका इजीली बेस को रेड कर सकते हैं। तो चलो यार फटाफट से ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं। शॉटगन ट्रैप्स लगा के रखा हुआ है बंदे ने, पर शॉटगन ट्रैप्स में भी ज्यादा बुलेट्स नहीं था, तीन ही बुलेट्स लगा के रखा हुआ था एंड वो जो शॉटगन ट्रैप्स है ना गाइस खत्म हो गई अब। एंड यहाँ पे जो है ना फर्नेस में तो यार क्या ही गजब का लूट था इसके, देखो। सल्फर मिला गाइस यहाँ पे हमें, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया अपने के लिए। तो चलो गाइस अभी जो है ना यहाँ पे और चीज तो लूटने के लिए नहीं है, फटाफट से इसका कैबिनेट में बम लगाते हैं। मेरे पास जितना भी यूजफुल सामान ही है मैं उसको ड्रॉप कर लेता हूँ और इनके पास यार काफी ज्यादा बुलेट्स रखी हुई है इन बंदों ने। ओके गाइस लेट्स गो फटाफट से इनको फिनिश करते हैं ये चाइनीज बंदे। तो अभी जो है ना गाइस हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ऑयल बॉम्ब। तो ओके गाइस यहाँ पे इसका टीसी ब्रेक हो चुका है एंड इसके बेस से गाइस हमें क्या मिला, एक्सप्लोजिव, क्योंकि काफी ज्यादा गजब का था। कुछ टाइटेनियम मिला एंड कुछ कंपोनेंट्स थे, तो मेरा बैकपैक तो फुल था गाइस, मैं कुछ भी उठा नहीं पाऊंगा। तो मैंने अपने टीममेट से बोला यार जितना भी सामान उठा सकते उठाओ, और ऐसे करते यहाँ पर से हम लोग फटाफट से निकलते हैं। यार काफी गजब का बेस था, रेड करने में काफी ज्यादा मजा आया। तो ठीक है एक बार कैबिनेट चेकआउट करता हूँ, लगता है कैबिनेट का लूट पहले ही अपने टीममेट्स लोग उठा लिए। तो चलिए गाइज अब जो है ना हम यहाँ पे सब बाहर निकलते हैं, अब इस बेस में कुछ बचा नहीं है, सारा का सारा हम लूट लिए। अबे नीचे चलो बच गया यार, हेल्थ तो नहीं गिरा। तो देखो गाइज क्या ही गजब तरीके से हमने इस बेस को रेड किया। तो फाइनली गाइज उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा, काफी लंबा टाइम हो चुका है हम ऑनलाइन रहते रहते, लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं
अब मैंने डिसाइड करा यार अब ऑफलाइन जाने का टाइम आ चुका है, तो एक बार हम बॉट बेस चेकआउट करके आते हैं, बॉट बेस है या नहीं है वहां पे। क्योंकि गाइस आप लोगों ने पिछले बार देखा होगा कि हम लोग कितना मरे थे, यार पूछो ही मत कितना मरे, क्योंकि हमारे पास ना ही आर्मर था। और आज देखना गाइस हमारे पास आर्मर भी है, गन्स भी है, एंड आज हम मरते कि नहीं मरते। तो अरे भैया बैठ जाओ फटाफट से, चलते हैं ना। ओके ये भाई बोल रहे हैं कॉल करो, मेरा रिचार्ज खत्म हो चुका है भैया, कॉल कहां से करूं। तो यार चलो ऐसे करते ना, हम लोग निकलते हैं अब यहां से, कॉल तो हो नहीं पाएगी। तो ओके गाइस यहां पे से हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रायल आइसलैंड में। अब मैं गाइस धीरे धीरे ये जो बॉट बेस है ना करना सीख रहा हूँ, एंड अब आएगा गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा, क्योंकि बॉट बेस से हमें काफ़ी अच्छा लूट मिलता है, 1000 स्टील मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर मैं दोनों बॉट बेस करना सीख गया ना, तब तो गाइस कतई अकेला लूटूंगा। तो भैया यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत गंदा लैग होता है कभी कभार। अरे ऑटो कैनन कहाँ चल रहा है, किसको मारी ऑटो कैनन। तो यार सबसे पहले तो इनको मारे ये चिंडी चोर को। तो भैया फ्यूल डाल दो एंड घुसते अंदर। मैं तो इसको ओपन करके बैठता हूं। अरे भैया किधर किधर, इधर देखो, एक गया दूसरा भी गया। अभी जो है ना गाइस मैं यहां पर से जंप करके चलूंगा, क्योंकि पिछले बारी मैं सीधा रास्ते रास्ते चल रहा था तो स्पाइक्स मेरे में काफी खतरनाक तरीके से चुभ रही थी। तो मैंने डिसाइड करा यहां से हम लोग जंप मारते मारते चलेंगे। ओके इस बारी गाइस एक स्पाइक्स लगा, थोड़ा सा हेल्थ कम हुआ है, चलो कोई नहीं उतना तो चलता है। अभी जो है ना गाइस हम लोग फटाफट से चलते हैं, क्योंकि गाइस पिछली बारी जो है ना हम यहाँ पे काफी ज्यादा बार मरे थे, एंड इस बारी जो है ना हम लोग नहीं मरने वाले। तो टूट पड़ो सबके सब इसके ऊपर, मारो इनको, मैं हील कर लेता हूं, कहीं मेरे को ही ना मार दें। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। अबे मरा क्यों नहीं वो। ओके मर गया, ऊपर वाले को मारता हूं। एक यहां पे से मारा है जहां पे लूट रहता है मेरे को। किधर किधर किधर, रुक जा बेटे, तेरे मैं तो सीधा हेडशॉट मारूंगा। ओके गाइस मर गया वो। अभी चलो यार फटाफट से हम ऊपर चलते हैं। एंड ये भाई लोग बोलने लगे थे क्या करोगे नेक्स्ट, भाई यहीं पे रुकोगे कि हमारे साथ आगे चलोगे कि यहीं से वापस चल जाओगे। तो मैंने कहा यार क्यों मैं क्यों नहीं आऊँ, मेरे को मैंने अभी तक बॉट बेस लूटा ही नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही नया मैप खेलता था। तो अभी मेरे को बॉट बेस लूटना सीखना है, तो मैं भी आऊँगा इस बारी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम भी आ जाओ। एंड इन सब के बैकपैक तो फुल है, तो ये तो वहाँ के सामान नहीं उठा पा रहे हैं, एंड हमारा बैकपैक भी देख सकते हो। तो मैंने डिसाइड करा चलो जंप मारो फटाफट से। ओके यहाँ पे का जीपी वगैरह तो ये उठा लिया, एंड स्टील भी उठा लिए थे, 1000 फ्यूल है, शॉटगन और शॉटगन का बुलेट है। अरे भाई शॉटगन नहीं उठाया मैं, कुछ क्या ड्रॉप करूं। ऐसे करता हूं ये जो 50 मेरे पास जीपी है ना उसको ड्रॉप करता हूं, शॉटगन उठाऊंगा। तो लेट्स गो गाइस फटाफट से जंप मारो। अभी जो है ना हमें यहाँ पे से आगे चलना है, एंड उसके लिए गाइज आपको वहाँ पे फायर करना होगा। तो ये भाई जो है ना ये गाइज अगर आपको आगे जाना है, अगर आप सोलो है तो यहाँ पे फ्यूल डालने के बाद जाना होता है, एंड यहाँ पे जो है ना ऑटो कैनन है। तो देखो गाइज अभी जो है ना एक भाई फ्यूल डालेंगे एंड दौड़ते हुए यहाँ पे आएंगे। देखो अभी जो है ना यहाँ पे ऑटो कैनन चलेगा। तो भैया आ जाओ, भैया हमारे ऊपर ऑटो कैनन एग्रो हो रही है, मतलब हमें मार रही है। सबसे पहले तो मैं इनको मारूं, क्योंकि ये पिस्टल से मार रहे हैं भाई साहब, पिस्टल से कैसे मार रहे हो तुम। तो लेट्स गो गाइस अभी जो है ना यहां पे से डेड जंप करनी है, संभल के जाओ चलेगा। ओके हो गया, पहुंच गया। तो अब गाइस यहां पे का मेरे को सीन नहीं पता, यहां पे से कैसे जाना है, एंड यहां पे से मैं इन भाई लोगों को देखूंगा कि कहां कहां जंप मार के चलना है। ओके यहां पे ये डोर ओपन होगा,
अरे क्लोज हो गया, मैं जाऊँ कहीं गलत दबा दिया ना तो सारे का सारा ऑटो कैनन बड़बड़ा के हमें मारेगा। मैं वेट करता हूँ उनका आने का, उसके बाद किधर जाना है। उसके बाद देखते हैं कौन से में जंप मारना है। ओके ये वाला, इनको मारो ये जो डॉग्स हैं। ठीक है गाइस, ये डॉग्स तो मर चुके हैं। ओके यहाँ पे फ्यूल डालेंगे तब जाके ये खुलेगा। अबे खुल जा। अब कि कौन सा दबाया इन्होंने? अच्छा ये वाला। तो ठीक है गाइस, पहले बीच वाला, फिर इधर वाला, फिर ऊपर वाला। तो यार यहाँ पे से हमें SMG भी मिलता है और ऐसी की बुलेट्स का एमओ रेसिपी मिलता है। यार सामान तो काफ़ी अच्छा मिलता है यार बॉट बेस से। मुझे पता नहीं था यार, तभी मैं बॉट बेस कभी लूटता नहीं था, पर अब पता चला। अब तो लगता है गाइस बॉट बेस लूटना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अब यार क्या उठाऊँ, ऐसी की बुलेट उठाऊँ कि मैग उठाऊँ? मैं ऐसे कर दो, दोनों उठाऊँगा। क्या ड्रॉप करें? चारकोल ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि चारकोल वेस्टेज ही है। लेट्स गो गाइस, अभी जो है ना हम लोग फटाफट से चलते हैं। मैं सोचता था कि आगे वाले सेक्शन भी कुछ होता है, सो मैंने अपने टीममेट्स लोगों से पूछा आगे कुछ होता है, तो वो बोले भाई बस दो ही डब्बे होते हैं एंड आगे कुछ नहीं होता। तो यहीं से हम लोग जंप मारते हैं और भागो गाइस यहाँ पे से, क्योंकि वो गंदा मारते हैं रे भाई। किधर किधर, रुक जा तेरे को मारूं मैं। ओके यार वो तो मर गया है, और चलो यार फटाफट से निकलते हैं एंड अभी नाव में चलते हैं एंड यहाँ से जो है ना हम फटाफट से बेस चलेंगे एंड उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट ऑफ। ओके गाइज हम लोग नाव में पहुंच चुके हैं एंड अपना टीममेट आई थिंक कहीं रेड कर रहा था एंड उसको उनको कोई ना कोई तो मारा। अच्छा बोट को रिस्टोर करना होगा, तो उतरते हैं फटाफट से, बोट को रिस्टोर करते हैं। ओके गाइस बोट रिस्टोर हो चुकी है, लेट्स गो फटाफट से बैठते हैं और निकलते हैं गाइस अपने बेस की तरफ। सो फाइनली गाइस यहां पे हम लोग अपने बेस में पहुंच चुके हैं, काफी ज्यादा लंबे टाइम बाद यार, 2-3 घंटे बाद फाइनली यार जैसे जैसे करके मर मरा के हम लोग अपने बेस में पहुंचे। और अभी जो है ना जितने भी मेरे पास लूट वगैरह है मैं बॉक्सेस में रखूंगा एंड फाइनली गाइज उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहां पे से ऑफलाइन, क्योंकि गाइज यार ज़्यादा खेल के कोई भी फ़ायदा नहीं है। अपनी हेल्थ को ध्यान रखो, इतना गेम खेलोगे ना पागल हो जाओगे, खुद तो पागल होंगे अब क्या बोले। तो चलो गाइज मैं फटाफट से सामान रखता हूँ एंड चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस यार मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो गाइस आप लोग हमारे कैबिनेट में स्टील तो देख ही सकते हो कितना ज़्यादा स्टील है, सारा का सारा बॉट बेस लूट के मिला। तो सो बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।